नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ हॉट डॉग। ये बच्चों को बहुत पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। टमेटो सॉस, काली मिर्च, काली मिर्च हमने मोटी और दरदरी कूट ली है, बारीक नहीं ली है, रेड चिली फ्लेक्स, मक्खन, अमूल चीज़, एक प्याज बारीक पतला और लंबा कटा हुआ, नमक, ऑरिगेनो और हॉट डॉग। आइए अब हम चीज़ हॉट डॉग बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने दो हॉट डॉग ले लिए हैं, मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। तो अब इनको काट लेंगे बीच में से, ऐसे बीच में से काट लेंगे हम इनको। हॉट डॉग को हमने बीच में से काट लिया है और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम इसका एक पीस ले लेंगे हॉट डॉग का और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, ये डाल देंगे इसमें, फैला लेंगे सॉस को इसमें अच्छे से। अब हम इसमें लगाएंगे प्याज जो हमने पतला बारीक काट के रखा हुआ है, उसको लगा लेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी हमारा नमक होता है, तो हम इसमें इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे बिल्कुल। और काली मिर्च, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा डालेंगे बिल्कुल चुटके। और अब हम इसमें डालेंगे अमूल चीज़, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे इसी में। ये मैंने अमूल चीज़ ली है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो इसको इसके ऊपर कद्दूकस कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें अमूल चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। तो सारे हॉट डॉग को हम ऐसे तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा काली मिर्च और डालेंगे ऊपर से, चुटकी भर काली मिर्च और डाल लें आप, थोड़ा हमने अंदर से डाली है तो थोड़ा ऊपर से भी डाल लेंगे। सारे हॉट डॉग बनकर तैयार हैं, अब हम इसको एक पैन में सेक लेंगे। उसके लिए मैंने गैस में पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे, हल्का मक्खन डाल लेंगे, तला लेंगे मक्खन को इसमें। गैस को हम सिम कर लेंगे, इस हॉट डॉग को पैन में रख देंगे एक एक करके। गैस को हम सिम कर देंगे और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और अब हम इनको 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाकर देख लेंगे, ढक्कन को हटा लेंगे इसका। अब आप देख सकते हैं चीज़ इसमें हमारी अच्छे से पिघल गई है। अगर आपको लगे चीज़ इसमें नहीं पिघली है तो आप इसको 1 मिनट और रख सकते हैं। इसको सेकते समय आप एक बात का ध्यान रखें, गैस आप बिल्कुल सेम रखें, तेज पर ना सेकें। अगर आप इसको तेज पर सेकेंगे तो हमारे हॉट डॉग जल सकते हैं, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे उसमें निकाल लेंगे इसको। इन सबको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ी हॉट डॉग बने हैं। गर्मा गर्म चीली हॉट डॉग बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ये भी डाल देंगे इसमें। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने से इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। गर्मा गर्म चीज़ हॉट डॉग बनकर तैयार है, ये बच्चों को काफ़ी पसंद है, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी पसंद है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण सी रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।